बस यही कहना चाहेंगे कि जब नाम ही तूफान है तो उड़ना तो तय है और हमारे जो कैप्टन है उड़ाने वाले वो बहुत ही माहिर हैं बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इनसे हम लोग लगभग इंडस्ट्री में दस पंद्रह साल हो गया साथ आ, में आ, काम करते हुए गाड़ी उड़ाने आता फिल्म की गाड़ी उड़ाएंगे <laughs> फिल्म इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे कि अपने आप फिल्म उड़ेगी तो गाड़ी उड़ेगी अपने आप तो नहीं नहीं फिल्म का स्क्रिप्ट तूफान है और उसमें जो कैरेक्टर मेरे हैं लाल जी हैं अमरीश जी हैं एक तूफ़ान की तरह उसमें आएंगे और पब्लिक को इतना मजा है कि पब्लिक लोग वैसे भी मैं उस फिल्म उसी तरह बनाता हूँ हथकड़ी बनाया था तूफ़ान की तरह इंतकाम मेरी पूरी बैक हिस्ट्री है कि तूफ़ान जैसा ही फिल्म बनाता हूँ इस बार प्रोड्यूसर हैं रघुनंदन जी मेरे साथ में हैं और बनाने में पूरा सहयोग करेंगे तो ज़रूर तूफ़ान की तरफ बनाएंगे पिक्चर हम थर्टी फर्स्ट दिसंबर है आज सन दो हज़ार बाईस का कुछ कहेंगे बस यही कहेंगे कि द, 2022 बहुत अच्छा रहा मेरे लिए इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा कोविड के बाद द, इंडस्ट्री लगभग अच्छे दौर से गुजर रही है अच्छी फिल्में बन रही हैं ज़्यादा फिल्में बन रही है और 2022 में सब लोग मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई ऐसा टेक्नीशियन नहीं होगा जो घर बैठा होगा सब लोग काम कर रहे हैं सब लोग बेस्ट हैं सब लोग मस्त हैं तो बस मैं यही चाहूँगा कि 2023 में भी इससे भी अच्छा दिन आए और सब लोग काम करें सब लोग मस्त रहें भगवान सन में करोड़ों रहेंगे हंड्रेड परसेंट तो बिकना तो ही चाहिए क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ तय करती है अगर हम लोग अच्छी फिल्म बनाएंगे अच्छा सब कुछ करेंगे तो ऑडियंस जरूर पसंद करेगी कैसे मैं बिल्कुल अच्छा हूँ हाँ बिल्कुल क्योंकि तूफान ही अपने आप में एक वो मुकाम है कि जहाँ सबको पहुँचाएगा और तूफ़ान की तरह सबके दिलों में राज करेगा परवेश जी के साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं पहले नहीं मैं बिल्कुल हम अच्छे मित्र हैं और अच्छे लगाव रहा एक पारिवारिक संबंध भी रहा लेकिन मैं पहली बार सिनेमा कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ बहुत हैप्पी हूँ कि परवेश भैया के साथ में पहली बार स्क्रीन शेयर करूँगा सिनेमा करूँगा बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ अच्छे काम करेंगे और आगे और भी फिल्में करेंगे रवि जी जी को, जी प्रवेश को को कैसे कास्ट कुछ बताएंगे एक लाइन स्क्रिप्ट जब सुना मैंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने जहन में जो करेक्टर आया इस फिल्म के भाई इस रोल को कौन कर सकते हैं तो पहला नाम आया परवेश जी का और मैंने कहा यह किरदार है एकदम फिट बैठेंगे दूसरा अमरीश जी से मेरे साथ बहुत अच्छी पहचान है एक फिल्म मैंने अभी जस्ट किया है हम लोगों ने साथ में तो उसमें गेस्ट एपेरेंस भी उन्होंने काम किया है तो इनको इनका काम देख मैं बहुत प्रभावित था तो मैं कहा इस फिल्म में जो है ये रोल अमरीश जी को जाना चाहिए तो इस रोल के साथ इंसाफ करेंगे वो इस हिसाब से मैंने किया सर अब फिल्म प्रोड्यूस हाँ, कर रहे हैं बताएंगे इस में प्रोड्यूसर ये फिल्म के बारे में हम कि हम तो फर्स्ट फिल्म ये बना रहे हैं और मुझे तो अभी इसका कुछ अनुभव नहीं है तो हमारे जो कैप्टन है डायरेक्टर रवि सिन्हा जी वही हमें <laughs> तो इसके लिए अभी थोड़ा अनुभव होगा मुझे फिल्मों से कि कैसे फिल्म बनते हैं तो भी लेकिन भी वैसे तूफान फिल्म का नाम ही तूफान है तो इसलिए तूफान मचाएंगे क्या आप, पहले सोच थी आप क्या है नहीं भोजपुरी के बारे में हमारे पहले से ही अच्छा रहा है मतलब अंदर से और मैं भी भोजपुरी ही हूँ तो मुझे भोजपुरी मैं बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ और मुंबई में करीब आज पच्चीस साल से रह रहा हूँ कब से शूटिंग का प्लान है और बताएं इसमें कौन कौन से कलाकार है हैं देखिए इसमें हीरोइन है एक लड़की अरसी सिंह करके हैं अरसी सिंह नाम है अरसिया और एक राधा सिंह है इसके अलावा टीनू वर्मा जी हैं प्रकाश जैस हैं अली खान हैं अरुण सिंह जिस काका लोग बोलते हैं वो हैं नीरज यादव हैं धमा वर्मा हैं बहुत सारे लोग हैं भोजपुरी के मैक्सिमम लोग इसके अंदर हैं बहुत एक स्केल की पिक्चर है काफी बड़ी पिक्चर है बहुत कैरेक्टर इसके अंदर है और हम 16 तारीख से शूटिंग करने जा रहे हैं इसकी सोलह जनवरी बॉम्बे में करेंगे इसके बाद शूटिंग करेंगे जाके हम लोग यूपी में आजमगढ़ में करेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं आज रिकॉर्डिंग से मुहूर्त कर रहे हैं नहीं काम तो पहले शुरू कर चुका था हम लोगों ने मुहूर्त तो ये खरमा हम नहीं कर रहे हैं इसके पहले काम शुरू कर चुके थे लेकिन रिकॉर्डिंग आज थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार बाईस जो है आज का सिंगर हैं परयोश लाल जी हैं मेरे बहुत चाहते दिनेश जी वैसे बहुत दिनेश जी को प्यार करता हूँ उनके छोटे भाई हैं और इन लोगों से बड़ा मेरा घर मतलब घरेलू संपर्क रहा है मेरा एक कुछ जरा। आ, भी मैं क्या सुनाऊ में सुना अभी एक गाना बहुत मेरे चैनल पे हिट हुआ है आ, वो मैं सुनाना चाहूंगा बड़िया दिया हवे पिया के प्यार का अरतिया तरतिया पहाड़ दीन भइल का कही हमारा करे दर के दिल वाले गईले राजा बोतल में भर के दिल वाले गई ले राजा बोतल में भर के कई महीने से बोतल तो खोज रहा मिल नहीं रहा <laughs> तो नहीं, नहीं मिलेगा क्योंकि क्यों, वो क्यों तो राजा जी ले गए वो मिलेगा नहीं बोतल तो ये तो तो गाना तो बहुत फिल्म के ये जो एल्बम गाना है बहुत हिट हुआ है काफी वायरल है पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी काफी लोग सुन रहे हैं जी जी तो जी गाने में जो एक्ट्रेस है नीलम जिते कहेंगे जी जी आ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं अभी आ, मेरे साथ मुझे लगता है कि दो तीन फिल्में उन्होंने कर लिया है और आ, मेरे चैनल के लिए गाना भी उन्होंने किया है आ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आगे भी मैं कई फिल्में उनके साथ कर रहा हूँ सर जाते जैसे प्रवेश भैया ने बताया कि बहुत अच्छा साल रहा और आने वाला 2023 भी और भी अच्छा होगा और ख़ास करके हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर जुड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं तो मैं सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि नए साल की आगाम आ, फिल्म तो बहुत अच्छा है और प्रवेश भैया के साथ मैं पहला कर रहा हूँ रवि सिन्हा जी के साथ मैं कंटिन्यू तीन साल से जितनी उनकी पिछले रहती सब कर रहा हूँ और अच्छे-अच्छे गाने बहुत अच्छे गाने आज रिकॉर्डिंग भी है समथिंग दो-तीन गाने का रिकॉर्ड होगा अच्छा तो बोल लेते बोले ले, बोल नहीं पाएंगे <laughs> अब आप पूछते अच्छा तो बोल लेते कहां रहने वाले हैं आप हम तो अयोध्या के रहने वाले हैं जी सर सुना देते हैं एक हमने एक हां भजन ही बनाया हमने दो लाइन हमको याद है हम 14 बरस बन बांस गुजारे फिर भी मन को भाए हैं हर सजा है आज अयोध्या धाम मेरे श्री राम आए हैं अभी लेटेस्ट हमने बनाया दो लाइन लाइनों जी जी। दोनों, दोनों, दोनों जन के साथ मेरा पहला पिक्चर है और आगे भी करेंगे अभी तो दो तीन पिक्चर लाइन से करेंगे अच्छा लगे लगा हमको सर से मिलकर